नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिशन शतपुत्र महाविद्यालय यानी कि SCPC कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, काउंसलिंग की डेट और कट ऑफ आ गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग में जब आप जाएंगे, यानी कि जब आप SCPC में काउंसलिंग कराने जाएंगे ऑफलाइन, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार की इनकी फोटो कॉपी चाहिए, कौन सा ओरिजिनल चाहिए, कितने कॉपी चाहिए, मतलब A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो केवल हमारे UG कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए। इट्स मीन कि अगर आप BA, BSc, मैथ बायो, BCom, PBA, BCA इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपके एक एक डाउट कंफ्यूजन पे हम बातचीत करेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SCPC कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पे रिक्वायर्ड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। और यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ से मैं डायरेक्टली खोल लूंगा और जब यहाँ पे आप खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ध्यान से देखिए, सारी बातें मैं समझाऊंगा, बस आप पेशेंस रख करके मेरी बातों को समझिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए यानी क्या लिखा है, काउंसलिंग हेतु आवश्यक पत्रजात, मतलब कि पत्रजात। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र के दो प्रतियों में जिनमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका, सनद की छायाप्रति व सनद की छायाप्रति, इसको आप जो है लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, संलग्न एवं और दोनों की दो दो फोटोकॉपी रखनी चाहिए, मतलब एक टेंथ की मार्कशीट, उसका दो फोटोकॉपी, ट्वेल्थ की मार्कशीट दो फोटोकॉपी। अगर देखिए दो रंगीन अद्यतन पासपोर्ट जो है, फोटो साइज यानी कि दो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा लेटेस्ट वाला। दुर्पति अंडरटेकिंग यानी कि अंडरटेकिंग जो अभी जो पीछे था, जो मैंने दिखाया था, उसका वीडियो मैं दे दूंगा कि उसको भरना कैसे। दो अंडरटेकिंग का दो प्रिंट आउट रखिएगा अपने पास। EWS हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 EWS प्रमाण पत्र, दो फोटो स्टेट और ओरिजिनल कॉपी। कहने का मतलब है कि अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो EWS आपका एक बना होगा ओरिजिनल, वो लेके जाना है और उसके साथ दो फोटो कॉपी लेके जाना है उसी का। लेकिन ध्यान दीजिए, EWS वित्तीय वर्ष 2024-25 का होना चाहिए। इट्स मीन कि 1 अप्रैल 2024 के पहले का बना होगा तो मान नहीं होगा, बाद में बना होगा तो मान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक साल की होता है। OBC कैटेगरी की बात की जा रही है कि अगर आप OBC हैं, SC, ST हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका यहाँ लिखा गया है कि एक ओरिजिनल का सर्टिफिकेट आपका लगेगा और एक दो और दो फोटो स्टेट, यानी कि मान लीजिए कि आप OBC कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, ठीक है, तो एक ओरिजिनल आपका रहना चाहिए डॉक्यूमेंट, मतलब कि का सर्टिफिकेट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, और दो फोटो कॉपी रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, OBC अगर समझा दिया, यहाँ पे लिखा है, देखिए भाई लिखा था ना यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी और दो फोटो कॉपी ले जाना, दो फोटो स्टेट लिखा है, फोटो कॉपी कहिए। और फ्रीडम फाइटर मिलिट्री दिव्यांग हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी और दो प्रति। कहने का मतलब मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने FF अप्लाई किया था, PH अप्लाई किया था, ठीक है, या MM अप्लाई किया, तो उसकी मेज ओरिजिनल कॉपी और दो फोटो कॉपी चाहिए, लेके जाइएगा। आधार कार्ड का एक ओरिजिनल कॉपी, मतलब मेन कॉपी, और दो फोटो कॉपी लेके जाइएगा। चैत्र प्रमाण पत्र यानी कि आपका TC की बात किया है, सॉरी CC यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है CC का मतलब क्या होता है भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। और गैप अंतराल का शपथ पत्र, मान लीजिए कि आपका आपने एक साल गैप कर दिया, सब्जेक्ट 12th में थे आप, 23 में पास किए और एक साल गैप तक 24 में एडमिशन ले रहे हैं आप लोग, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप एक गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली लिखा होता है कि आप गैप क्यों लिए हैं, तो बेसिकली बच्चे क्या बताते हैं कि मेरा हेल्थ इशू था, तो आप इस प्रकार का एक नोटरी 10 रुपए वाला बनवा सकते हैं SCPC कॉलेज के गेट के आसपास। जब आप SCPC कॉलेज में जाएंगे तो उसके गेट के आसपास ये गैप सर्टिफिकेट बनता है, आप इसको बनवा करके जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, और यहाँ पे लिखा है नोट को OBC जाति प्रमाण पत्र का, तो OBC जो का जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें ध्यान देना है कि आपका 3 साल के अंदर का बनाना चाहिए और 3 साल पहले वो पहले का है तो एक्सपायर हो गया, उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, इतनी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पर TC की बात नहीं की गई, TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो TC हम जानते हैं कब जमा होगा, फीस पेमेंट के बाद होगा, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका जो होगा, यहाँ पर जो CC है चैत्र प्रमाण पत्र, TC की बात नहीं की गई है, तो TC तो यहाँ पे कहा गया कि आपको लेके जाना ही नहीं है, तो लग रहा है कि SCPC कॉलेज नियम ये निकालने वाला है कि मान लीजिए आप काउंसलिंग करा लिए और फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, 2 से 3 दिन का मौका मिलेगा ऑनलाइन का, और लगता है कि SCPC कॉलेज ये चाहता है कि पहले बच्चे पेमेंट कर दे, देन वो TC जमा करें।
ठीक है। तो अपना पेमेंट जब कंफर्म पे एडमिशन हो जाएगा तब टीसी जमा करने के लिए एसईपीजी कॉलेज आपको एक टाइम देगा, ठीक है। तो टीसी अच्छी बात है, बाकी यहाँ और एडमिशन कराना है तो आपका टीसी आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट के साथ, और सभी देखिए इन सभी की एक ओरिजिनल कॉपी और दो दो फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक है। इतना काम करना आपको, ठीक है। बाकी इतने ही था, और आगे मैं अगले वीडियो में मैं चर्चा ये करूंगा अगले वीडियो में कि ये अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके हेल्पफुल रहा होगा, और आपके काउंसलिंग के लिए बेस्ट विशेष डीएनएस आप सभी को देना चाहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।